नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर पंचायत में व्याप्त घोटाले की जांच की मांग को लेकर युवा समाज सेवी अनूप उपाध्याय उर्फ बड़ू उपाध्याय के नेतृत्व में बुधवार को पंचायत के सैकड़ों महिलाओं व पुरुष प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित थे। प्रतीक्षा में प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगभग 4 घंटे तक लोग बैठे रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी से मोबाइल पर बात करने पर उन्होंने कहा कि गुरुवार को टीम का गठन होगा, शनिवार को जांच करने का आश्वासन दिया। वहीं अनूप उपाध्याय के नेतृत्व में सभी लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में जीपीएस शाहिद अंसारी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान समाज सेवी अनूप उपाध्याय ने पत्रकारों को बताया कि उक्त पंचायत में बरती गई अनियमितता व विकास के नाम पर फर्जी निकासी को लेकर जाँच करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को अब तक 2 बार लिखित आवेदन दिया गया है, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मांग पत्र में मनरेगा, पीएम आवास, नल जल योजना, चापाकल अधिष्ठापन, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, सोलर लाइट अधिष्ठापन आदि कई योजनाओं को लेकर फर्जी निकासी पर जांच की मांग पुनः की गई। वहीं पंचायत में सक्षम लोगों को आवास दिया गया है, जबकि कई लोग आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने कहा कि यदि शनिवार को जांच नहीं की गई तो अगले मंगलवार को वरीय पदाधिकारी से शिकायत करेंगे या प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करने व धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मौके पर अमरेंद्र उपाध्याय, विवेका पांडे, दीपक उपाध्याय, आशीष बैठा, सुधीर बैठा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज हम लोग प्रखंड कार्यालय कांडी में 100 ग्रामीणों के साथ में लाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी थे नहीं, उसके बावजूद भी उनका आश्वासन कुछ हम लोग को दिया गया, उसमें जिसके चलते हम लोग मिलने हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से। मेन उसमें बिंदु ये है कि 2 बार पूर्व में हम लोग जांच करने के लिए अपने पंचायत का आवेदन उनको दिए, जो कि आज 10 से 15 दिन उसका समय व्यतीत हो गया, बीत गया। उसमें मुख्य बिंदु के रूप में मनरेगा का जांच, आवास का जांच और नल जल का जांच, चापाकल आंगनबाड़ी या वैसे लोगों को जो अति आवास दिया जा रहा है जिनका पहले से पक्का का मकान है उपलब्ध, और वैसे गरीब हैं जिनके कि रहने के लिए झोपड़ी में रह रहे हैं, उनकी मांग को लेकर के और उन गरीबों के साथ में ला करके प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने आए। लेकिन वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आवेदन रिसीव कराए और ये आश्वासन दिए टेलीफोन के माध्यम से कि कल जांच टीम का गठन करेंगे और शनिवार को आपके पंचायत में मैं खुद जांच टीम के साथ उपस्थित रहूँगा। अगर मैं उपस्थित नहीं रहता हूं तो आप कोई भी कार्रवाई आप लोग नौयुवक लोग करने के लिए तैयार हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। तो आज उसी उनके आश्वासन के बाद ही हम लोग यहां से प्रखंड कार्यालय से 100 पब्लिक जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग लोग, नौयुवक लोग 100-200 के संख्या में ला करके हम लोग जो दरवाजे पर बैठ गए, उसके अभी हम लोग इसका 4 घंटा हम लोग जो 3-4 घंटा बैठ करके यहाँ पर हम लोग अपना ही किए, अभी हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। सिर्फ इस आस पर कि शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे पंचायत में आएंगे और एक एक योजनाओं को देखेंगे, समझेंगे, उन गरीबों के घर को देखेंगे और संतुष्ट करेंगे। इस संतुष्ट को लेकर के हम लोग शनिवार के आस में आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। नहीं होगा तो मंगलवार को फिर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो करना होगा, तालाबंदी करना होगा, तालाबंदी करेंगे पंचायत में। उसके लिए हम लोग को स्वतंत्र छोड़े हुए हैं, वरीय पदाधिकारी के पास जाना होगा तो वहाँ भी जाएंगे। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।